आज हम लाल किताब के जो है कुछ फंडामेंटल्स क्लियर करेंगे। इसमें हम आपको बताएंगे कि पहले तो ग्रहों की नेचर क्या है, उसके बाद बनावटी ग्रह कैसे बनते हैं, जिसको कि मस्नूई भी कहते हैं उर्दू के अंदर, अरबी भाषा में। टकराव के ग्रह कौन से होते हैं, बुनियादी ग्रह कौन से होते हैं, सोए हुए ग्रह कौन से होते हैं, और अगर ग्रह सो जाएं तो उनको जागृत कैसे करते हैं। अंधे ग्रह तो वैसे बेसिकली दसवें घर का ही मैंने आपको बताया था कि जो दसवें घर में आ जाए और दसवां घर खाली हो तो अंधे ग्रह हो जाते हैं, वो भी आगे आगे आ जाएगा चैप्टर में। अब ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांतों की बात करें या लाल किताब की बात करें, हर ग्रह अपने अपने हिसाब से फल देते हैं, उनके लिए कुछ शास्त्रों में उपाय नहीं बताए गए। यदि ग्रह की राशि संदेहास्पद हो तो उनके उपाय करने के विधान शास्त्र सम्मत माने जाते हैं। तो ग्रहों को अनुकूल बना के और उसका सहयोग लेके कैसे उपाय किए जा सकते हैं, इस बात की अभी चर्चा हमारी फोकस है इसमें। जैसे हम बात करें राहु केतु और शनि, अब ये हैं तीनों पापी ग्रह, ठीक है, और ये विश्वासघात भी करते हैं, चाहे उच्च के हों चाहे नीच के हों, ये अपनी नेचर को नहीं छोड़ते हैं। सही बात है। अब नौवें त्रिकोण में कहते हैं ये राहु बहुत बढ़िया नुकसान नहीं करेगा, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आज राहु की दशा में झटका तो मेरे को दे ही गया, ठीक है, तो इनका स्वभाव चेंज नहीं होता और विश्वासघात के कारण ही इनको पापी कहते हैं। इनके अशुभ प्रभाव को अब क्या करोगे, केतु के प्रभाव से दूर किया जा सकता है, केतु के उपाय से दूर किया जा सकता है राहु को, राहु के, ठीक है, और केतु अगर अनिष्ट हो जाए तो राहु का उपाय कर दो, ठीक है, तो उससे दूर हो जाएगा। पापी ग्रह से संबंधित वस्तुओं या प्राणियों को पास में रखने, पालने व उनके आशीर्वाद से या उनसे क्षमा मांगने से भी अनुकूलता होती है पापी ग्रह की। हाँ, इसके बारे में मैं रोज़ चर्चा करता हूँ कि जब पापी ग्रह से संबंधित वस्तु या प्राणी, ठीक है, यानी पिता माता बाबा बहन भाई बुआ बेटी सब ये प्राणी हो, बिल्कुल, तो उनको पास में रखो, पालो या उनको कुछ दान दो या उनसे आशीर्वाद लो या उनसे क्षमा मांगो, उससे भी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। और लाल किताब का सबसे बढ़िया फीचर यही है, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि गुरु को स्ट्रॉन्ग करना है तो बड़ों का आशीर्वाद लो तो गुरु स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, तो प्राणी की बात आती है। देन आर्थिक नुकसान से बचने के लिए शनि की अनिष्टता को दूर करो, वो कैसे करोगे कि कौओं को रोज़ रोटी के टुकड़े खिलाओ, या आप कौओं को, हमने आपको ये भी बताया कि गुलगुले मीठे बना के खिलाओ, तो वो भी जो है कौआ, इसलिए क्योंकि वो शनि है, कौआ शनि है, कौआ बेसिकली यमराज का मैसेंजर है, ठीक है, इसलिए शनि और यमराज दोनों भाई हैं वैसे तो, यम और शनि, यम और यमी ये सब भाई बहन हैं, सूर्य के परिवार के बंदे हैं सारे, तो यमराज को शांत कर लो या शनि को शांत कर लो, एक सी बात ही है। और संतान में बाधा हो रही हो तो कहते हैं कुत्ते को रोटी खिलाओ जी केतु के, हाँ, तो आपका केतु जो कि गुरु का पुत्र है तो उससे संतान की अनुकूलता आ जाती है। संतान के लिए या पुत्र के लिए बोल रहे हैं, संतान पुत्र की बात है, संतान में तो पुत्री भी हो सकती है ना, यहाँ जैसे पुत्र के लिए कुछ भी है? कुछ भी हो, संतान का मतलब दोनों ही है, ठीक है, लड़का हो चाहे लड़की हो, पंचम केतु आ गया तो आप जो सेवा करोगे तो कुछ भी। हर ग्रह की अशुभता के पीछे कहते दो ग्रहों का हाथ होता है, इन दो ग्रहों में से किसी एक की अशुभता दूर कर दो तो शुभ फल प्राप्त हो जाए। जो ग्रह पापी ग्रह की अशुभता दूर करने में सक्षम हो उसी का प्रभाव बढ़ाना चाहिए। इसमें से बृहस्पति को अलग करने के लिए बुध के प्रभाव को बढ़ाना होगा, शुक्र बुध एक होने से शनि शुभ फल देता है। और मंगल का अगर प्रभाव कहते हैं आपका खराब चल रहा, अभी आपने क्वेश्चन किया था, तो मृग चर्म के उपयोग से कम होता है, हिरण की चमड़ी, हाँ, उनके उपयोग से मंगल का प्रभाव, खराब प्रभाव जो है ठीक हो जाता है। उपयोग कैसे करे बंदा, मतलब उस पर बैठ के साधना करो, आराधना करो, उसको पास रखो, आसन बना लो, बड़े तवे पर गुड़ की रोटी बनाकर लोगों को खिलाने से अशुभ मंगल का प्रभाव कम हो जाता है। बड़े तवे पे, अच्छा, गुरुद्वारे वाला तवा होता है जिसपे 10-20-25 रोटियां बनती हैं, या हम ये भी कहते हैं कि तंदूर में रोटी लगाओ और मीठा उसमें डालो, और बंदरों को और कुत्ते को, कुत्ते को, हाँ, बंदरों को तो केले वेले चने वने खिलाते हैं, कुत्ते को तो या केतु हो गया ये, हाँ, तो वही बता रहे हैं, बात केतु की चल रही है, मंगल की बात चल रही है, हाँ, केतु और मंगल एक ही बात है, केतु को कुंजवत कहते हैं, शनि को राहुवत कहते हैं, तो इसलिए राहु को शनिवत कहते हैं, एक ही बात।
तो ये अगर आप प्रयोग करते हो तो उसमें जो है आपका मंगल शांत हो जाता है। बुध शुक्र और शनि के शुभ प्रभाव आ रहे हो तो उसका एक आसान सा उपाय ये है कि गौ को रोजाना ग्रास दो, खिलाओ कुछ ना कुछ। तो रोज़ भोजन करते समय परोसी गई थाली में से एक हिस्सा गाय को देते हैं, एक हिस्सा कुत्ते को देते हैं, एक हिस्सा कौए को देते हैं। लोग अक्सर हमसे पूछते हैं भी आप खाना खाने से पहले तीन ग्रास क्यों निकालते हैं, तो उसका रीज़न ये होता है कि तीनों को ये चीज़ पहुंचती है। अब बात करते हैं राहु अगर शुभ प्रभाव दे रहा हो किसी भी घर में बैठ के, तो घास या किसी अनाज, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, गेहूँ हो गया, इसको ज़मीन पर रख कर उस पर वजनी चीज़ रखें। जौ को दूध से धोकर बहते पानी में प्रवाहित कर दो, ये चौथे भाव में स्थापित, चौथे भाव में स्थापित हो जाए। तो ये हो गया राहु का उपाय। अंकल जी मान लो आपा जैसे राहु का यहाँ चौथे भाव में स्थापित कर दिया, वहाँ गोचर में जब ऐसे इसका शत्रु ग्रह बैठा है तो अशुभ फल नहीं होगा, ये तो देखना पड़ेगा। वो तो देखना पड़ेगा, है ना जी, वो तो देखना पड़ेगा। ये तो अभी खाली राहु की बात है, राहु अशुभ कर रहे हैं तब ये उपाय करो, वो तो कैलकुलेशन का मामला तो रहेगा रहेगा। नहीं वैसे देखना पड़ेगा ना, मान लो उधर चलते हो तुम्हें ट्रांजिट में गल इसका शत्रु आया हो, कहीं इनका मेल करवा दें जी आप, जैसे शनि आया हो, वो तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, उसके बिना काम चलेगा। देन किसी को तपेदिक जैसी टीबी जैसी बीमारी हो गई जिसके कारण बुखार चढ़ जाए, उतरता ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति को गाय के मूत्र में भिगोकर स्वच्छ जल में धोकर नए कपड़े में बांध कर ऊंची जगह से टांग दें। ठीक है, डालिए जी इसमें, जो 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 डाले जो कोड़ा बार ले। रोगी रोज गौमूत्र से अपने दांत साफ करे तो उससे जो है ये बीमारी ठीक हो जाएगी। फिर अगला फंडामेंटल ये आता है कि ग्रहों से संबंधित चीज़ें घर में अधिक रखने से उस ग्रह का दुष्प्रभाव कम हो जाता है, जिस ग्रह को अपने बढ़िया करना है। हाँ ठीक है, जैसे अपने कहते हैं तांबे का कड़ा डाल लो, सोने का डाल लो, अपने पास रख लिया, जैसे चंद्र को ठीक करना है। इसको बताया था कि आप चांदी का चकोर टुकड़ा अपने हस्बैंड को बोलो पास में रखे, इससे राहु के लिए हो गया क्योंकि वो कर्क लग्न का था, चंद्रमाष्टम था शनि के साथ। अच्छा जी, तो उसको भी ये बताया तो अब उसको बोला गोल टुकड़ा मत लेना, अब वो बुद्ध हो गया, बुद्ध बन जाएगा, बुद्ध और चंद्र चकोर ही बताया उसको, तो वो चीज़ पास में रखेगा तो उसका मन थोड़ा कंट्रोल रहेगा। के लिए बस सफेद कपड़े पहने, ये भी हो गया बंदा, चांदी के पानी में बर्तन में दूध पियो, हाँ कई चीज़ें होगी, कपड़ा भी सफ़ेद पहनो, चांदी में दूध पियो। अब कह रहे हैं पुत्री के कारण पिता को कष्ट हो रहा हो, जैसे यही केस अभी आया था, तो पुत्री के गले में तांबे का चौरस टुकड़ा डाल दो, चौरस चांदी का, हाँ तो वो जो है आपका कष्ट दूर हो जाए। फिर कहते हैं कि मंगल 1 3 8 घर में बैठा हो तो मंगल का उपाय ना करके बुध का उपाय करना चाहिए। 1 3 8 में, हाँ तीन में तो बुध का समझ आ गया, 1 और 8 में क्यों? लाल किताब का कोई फंडा है, क्योंकि लाल किताब में एक घर में का मालिक भी मंगल होता है, एक का तो है मंगल, हाँ और 8 में भी मंगल है, और तीसरे का भी इसने मिट्टी दे रखी, तीसरे में मंगल कारक है, मिट्टी दे रखी है, 1 में भी मकान है और 8 में भी मकान है, सही बात है, इसलिए दिया। तो वहाँ पे आप बुध का उपाय कर दोगे। आप मान लो लाल किताब पढ़ के जी क्वेश्चन पूछना चाहिए, हर गल के क्वेश्चन पूछिए, जिमें तुसी क्या भी जौ भिगो के कपड़ा टांग के, अब मैं पूछ सकता था सफ़ेद कपड़ा क्यों, पानी क्यों, है ना जी, एक ग्रह नाल ही जोड़े वैसे ना, सारी चीज़ ग्रह से जुड़ी है, पर ये अभी सवालों के इतने तो निकलेंगे नहीं जवाब अपने को, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप जो सवाल पूछोगे उसी का जवाब मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब गाय का मूत्र है मान लो और जौ है, नया कपड़ा, नया कपड़ा बुध का रूप होता है, अच्छा जी, पुराना कपड़ा शनि का रूप होता है, ठीक है, इसीलिए कहते हैं नया कपड़ा बुधवार को धारण करना चाहिए, ठीक है, और शनिवार को आप बिना धुला कपड़ा भी पहन जाओ, पुराना कपड़ा पहन लो तो कोई नुकसान नहीं होता, तो शनि का हो गया वो, हाँ वो शनि का हो गया, वही तो कह रहा हूँ ना, आप जो क्वेश्चन पूछोगे जवाब तो उसका मिलेगा मिलेगा। मैंने सोचा डीपली ज़्यादा चला जाए, नहीं नहीं भले भले चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं डीप गया हूँ तो आपको डीप लेके जाऊँगा, मैं ही नहीं गया तो आपको कहाँ से ले जाऊँगा, सही है, हाँ वो बात अलग है, कोई इररेलेवेंट बात आती है तो मैं बोल देता हूँ कि इसको अगले टॉपिक में लेंगे, वो दैट इज सेपरेट थिंग, कोई बात नहीं, लेकिन रेलेवेंट बात है तो उसका जवाब तो साथ में आएगा। अब कहते हैं रोगी रोज गौमूत्र से अपने दांत साफ करे, ये भी उसमें आया था, तो गौमूत्र आ गया, ये तो राहु का ही होगा, और दांत साफ करना बुध का, हाँ तो उससे भी ये कंट्रोल हो जाएगा। अब कुछ कहते हैं आज माए उपाय भी बहुत होते हैं, ये उपाय कहते हैं कम से कम 40 दिन करने चाहिए लाल किताब के, और अधिक से अधिक 43 डेज करने चाहिए, यदि ये उपाय रोज ना हो तो 8वें दिन इसको अवश्य कर लेना चाहिए,
उपाय पूर्ण होने से पहले यदि कोई आपके विघ्न आए, बाधा आ जाए, तो उसको दोबारा नए सिरे से शुरू कर लो। अगर अपरिहार्य कारणों से उपाय का क्रम टूट जाए तो चावल दूध में और केसर पान में रखें। ये भी उपाय है, और ये भी होता है कि आप शक्कर दूध में मिला लो और वही गिलास उस पे पेड़ पे चढ़ा दो तो आपका काउंट हो जाता है जितने दिन आपका टूटा है, एक गिलास, दो गिलास, तीन गिलास, उससे अच्छा, भी काउंट। हाँ, ये किसी और बुक में लिखा हुआ है, कोई भी टोटका रह जाए ये कर दो जी। हाँ, कोई भी रह जाए दूध में शक्कर मिला के उसको कंटिन्यू कर लो, उतने गिलास डाल दो। मान लो छह दिन टूट गया, छह गिलास डाल दो एक दिन में, आप छह गिलास बना के डाला है। किस कौन किस पे डालने, पेड़ पे, पेड़ का तो पेड़ पे डालो, कहीं और डालने तो और डालो, जो भी जो जो उपाय जो भी है, जैसे भूमि का उपाय तो भूमि पे डालो, भूमि पे डालो। अब कुछ जनरल उपाय भी हैं, वैसे उपाय ज़्यादातर सूर्योदय से सूर्यास्त करने चाहिए। शुभ ग्रहों के उपाय मॉर्निंग में करो, और ये 4 बजे के बाद, और वो शाम को करो, राहु शनि वगैरह के उपाय शाम को करो, क्योंकि शाम को इनकी होरा आ जाती है। सूर्य छिपने के बाद शनि और राहु के कर सकते हैं जी? राहु का तो शनि से छिपने, गोधूली बेला से पहले करवाता हूँ मैं, राहु और शनि, गोधूली बेला 6:30 बजे के आसपास। हाँ, तो राहु और शनि मोस्टली 4 बजे के आसपास करवा देता हूँ मैं दोनों उपाय। जैसे वो आपने बताया था सुरमे का, तो वो दिन में थोड़ा बुरा लगता है, वो थोड़ा सुरमा रात को अंधेरा, उसमें शनि आ जाता है ना। हाँ, शनि आ गया, इसलिए शनि आ जाए तब करना है। जैसे शनि को विदा करने का उपाय दिया तो रात को विदा करना है उसको। ठीक है। अब कुछ जनरल उपाय भी हैं, जैसे सूर्य का जनरल उपाय है कि बहते पानी में गुड़ को डलवा दो, उससे सूर्य स्ट्रांग हो जाता है। चंद्रमा के लिए बोला है कि दूध या पानी से भरा बर्तन रात को सिराने रखो और सुबह उसके बबूल के पेड़ में या कीकर के पेड़ में डाले आओ, ये चंद्रमा का बेस्ट उपाय है। बुद्ध के लिए आप कहते हैं तांबे के पत्ती में छेद करा के उसे बहते पानी में डाल दो तो वो सही रहेगा। मंगल का रहेगा, मंगल के लिए शुभ हो तो मिठाई और भोजन का दान करें, पतासे बहते पानी में डालें, ये आपको बता चुका हूँ मैं। मंगल शुभ हो तो मिठाई या मीठा भोजन दान करें, बताशे बहते पानी में प्रवाहित करें, और मंगल अशुभ हो तो बहते पानी में तिल और गुड़ से बनी रेवड़ियां प्रवाहित करें। बृहस्पति के लिए केसर का सेवन करो, नाभि या जीभ पर लगाओ, माथे पे लगाओ, जनरल उपाय है। शुक्र के लिए गऊ का दान करें, जो कि आजकल संभव नहीं है, 1 लाख की गऊ होगी। हाँ, तो ज्वार या चने का चारा दान कर दो, गऊ को पेड़ा खिला दो, आटा खिला दो, बढ़िया रहेगा। शनि किसी बर्तन में तेल डालकर उसमें अपना प्रतिबिंब देखें और वह बर्तन तेल के साथ दान कर दें। बर्तन कांसे का तो जल्दी फल मिलता है, अदरवाइज लोहे की कटोरी में 1 रुपये का सिक्का डाल के उसमें मुंह देख कर दे दो डाकोत को, वो भी आपका काम। तेल डाल के सरसों, शनि दुष्प्रभाव खत्म हो। हाँ जी। और राहु के लिए जनरल उपाय है कि मूली ले लो, 11 मूली सिराने रखो रात को। ठीक है जी। सुबह उसको मंदिर में निकाल दो, पत्ते मूली के निकाल दो, बाहर पत्ते पहले रात को ही निकाल, रात को ही निकाल दो, 11 सुबह मंदिर में दान कर लो उसको, ये राहु के लिए। और केतु के लिए कुत्ते को रोटी कारण ऊपर उतार देते होंगे हरी जी पत्ते के नाल, मूली तो शुरू होंगी जी जड़ जितों, वो उतारण का की मतलब होंगे रात में जाके फिर आप चंद्रमा दिने जो वो उतना हिस्सा जमीन में रहता है ना मूली का। हाँ जी। और जमीन में अंधेरा होता है। ठीक है जी। तो वहाँ से वो चीज़ निकलती है, इसलिए उसको राहु का प्रोडक्ट मान लिया गया है। ठीक है, खाने वाला जो हरा रहा ही ऊपर है। हाँ, हरा तो जमीन के ऊपर है, वो तो बुद्ध हो गया, बुद्ध हो गया, इसलिए वो जड़ समेत हरा पत्ते हटाने हैं जी। हाँ, सिर्फ मूली रह जाए, मूली रह जाए। ठीक है। तो ये एक आजमाए हुए उपाय होते हैं, ये हर किसी को कॉमनली करवा सकते हो। मूली का पूरा क्या होता है, रात को 11 मूलियां सिराने रखो। हाँ जी। और सुबह उसको मंदिर में दान करो। ठीक है। मंदिर का मतलब यहाँ से शनि से आ जाता है, मंदिर हर मंदिर शनि ही है जी, शनि धर्म सेकंड घर धर्मस्थान है। हाँ जी, बिल्कुल है जी। और शनि को धर्मस्थान में पहुंचाना हो तो ये उपाय है। ठीक है। कुछ खास तरीके भी हैं, विवाह के समय या विवाह से पहले जो बुरे ग्रह हैं उनका प्रभाव जो है मैं हटाने के लिए, खास तौर से जेंट्स को तो ज़रूर करना चाहिए, वो ये उपाय हैं कि सूर्य के लिए गेहूँ और तांबे का बर्तन दान करें, सूर्य के लिए। चंद्रमा के लिए चावल, दूध और चांदी की वस्तु दान करो। मंगल के लिए साबुत मसूर या मसूर की दाल, ये दान करो, रेड आ गया ना लाल चीज़। बुध के लिए साबुत मूंग, इसको दान कर सकते हो आप। बृहस्पति के लिए चने की दाल और सोने की वस्तु। देन शुक्र के लिए दही आ गया, घी आ गया, कपूर आ गया, मोती आ गया, कोई सी चीज़ आ गया, चावल भी कर लेते हैं कई बार।
शनि के लिए काले साबुत उड़द और लोहे की वस्तु दान कर सकते हो आप। देन राहु के लिए सरसों और नीलम का दान करें। देन केतु के लिए तिल का दान करें। जेंट्स के लिए क्यों होता है ये करे बंदा ये? जेंट्स के लिए है ना कि पुरुष के ग्रहों का पूरा प्रभाव स्त्री के ऊपर पड़ता है। पुरुष के ग्रहों का प्रभाव स्त्री पे पड़ता है, ठीक है, बिल्कुल। इसलिए जो है आप अगर खुद उपाय कर लेते हो तो आपकी स्त्री का ऑटोमेटिकली उपाय करने की जरूरत ही नहीं है। और ये भी फैक्ट है कि अगर पुरुष घर में पूजा करता है तो उसका आधा फल स्त्री को मिलता है, ये पक्की बात है। जिस घर में आदमी पूजा करते हैं उन घरों में स्त्रियाँ इसलिए सुखी रहती हैं कि आधा फल पहुंच जाता है उनके पास। तो स्त्री पूजा करती है कितना भी जाता है, स्त्री का पूरा फल स्त्री को ही मिलता है। अच्छा, वो पुरुष को नहीं मिलता। ये तो शास्त्रों में लिखा हुआ है। अब कुछ क्या है कि खास उपाय होते हैं जो कि हम डेली करवाते भी हैं, ठीक है। अलग अलग ग्रह के अलग अलग उपाय हैं। पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य अशुभ हो तो एक ही आकार और वजन के तांबे के तीन टुकड़े ले लो। एक ही आकार के तांबे के तीन टुकड़े। एक टुकड़ा कन्यादान विधि से दान करें, जैसे कन्यादान करते हैं ना, पूजा पाठ करवा के पंडित से। दूसरा टुकड़ा बहते पानी में प्रवाहित कर दो, ठीक है। और तीसरा टुकड़ा जीवन भर अपने पास रखें, ठीक है जी। इसने तीन टुकड़े लिखे हैं, कई किताबों में दो टुकड़े लिखे होते हैं कि आप दो टुकड़े कर लो, एक ही पट्टी के दो टुकड़े करके आधा पानी में डाल दो, आधा अपने पास रखो। चांदी का करना हो तो चंद्र हो जाएगा, तांबे का करना हो तो सूर्य हो जाएगा। इस तरह से धातु के अनुसार ये भी कराते हैं। आकार इन्होंने कोई भी कहा, गोल ले लो, चकोर ले लो जी ना, एक ही आकार के होना चाहिए। वैसे तो गोल नहीं लेने चाहिए। अच्छा, गोल सिक्के ले सकते हो आप, अगर सिक्के भी ले। अगर तो गोल लेना तो अपने ये देखना पड़ेगा अभी, ये ग्रह बुद्ध का फ्रेंड होना चाहिए जी। और ये तीसरा टुकड़ा जो अपने पास रखोगे ना, हाँ जी, ये जीवन भर किसी कीमत पे बेचना नहीं है आपको, ठीक है। लालच में आके बेच दो। ऐसा करने से सूर्य का अशुभ प्रभाव दूर हो जाएगा। यदि तांबे का टुकड़ा खो जाए तो पुनः टुकड़ा लाकर अपने पास रख लो दोबारा। फिर दूसरी बार उसे पानी में प्रवाहित करने और दान करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अगर खो जाए तो। समझ गए, वो दो पहले वाले दो को तीसरे वाला जो ये रखने वाला किया दोबारा। तो ये आपका जो हो गया एक नीचे नहीं करवाएंगे पड़े तो। देन अब चंद्र की बात करें। चंद्र अगर अशुभ हो रहा है या आपके खराब कर रहा है तो सच्चा मोती, चांदी का टुकड़ा या चावल साथ में रखें, उससे चंद्र का प्रभाव खत्म होता है। मंगल के लिए अशुभ हो तो लाल पत्थर यानी हकीक बोलते हैं इसको, अपने पास रखो। मूंगा भी रख सकते हो, और कोई लाल वस्तु जैसे मसूर की दाल कपड़े बांध के पास रख लो, वो भी चल जाएगा। बुध अशुभ हो तो हीरा अपने पास रखें, शुक्र को। बृहस्पति अशुभ हो जाए तो सोना या केसर अपने पास रखो। देन शुक्र अगर जो है अशुभ हो जाए तो सफ़ेद मोती धारण करो और सीप अपने पास रखो। शनि अशुभ हो जाए तो लोहा, काला नमक और काला सुरमा ये धारण कर सकते हैं आप। पहले औरतें काला सुरमा बहुत डालती थी, काजल डालती थी, उसका कारण ये था शनि मजबूत रहता था। पहले वाली औरतें हाथ में बाजूबंद बांधती थी एक, कई औरतें हाथ में मोती भी पहनती थी, उससे उनका जो है एक मतलब वासना जो है कंट्रोल रहती थी। ठंडा चंद्रमा, वो कमर पे तागड़ी बांधती थी, वो भी बुध को कंट्रोल करता था। वो बुध को कंट्रोल करती थी, शुक्र नीचे सेक्सुअल पोर्शन होता है ना, उसका कंट्रोल करती थी वो। चंद्रमा ने उसको अपने घेरे में ले लिया। फिर औरतें पाँव में वो बिछुए भी डालती हैं, अंगूठे में भी चांदी का डालती हैं, केतु को कंट्रोल हो जाता उससे। तो ये सब चीज़ें पुरानी जो ऐसे तुक्के में नहीं बनाई हुई थी, शोध की थी ऋषि मुनि ने, शोध की वही चीज़ें अब सामने आ रही। राहु अशुभ हो तो सच्चा मोती, चांदी का टुकड़ा या बासमती साबुत चावल अपने पास रखो, राहु कंट्रोल हो जाएगा। और केतु के लिए चितकबरा पत्थर हमेशा अपने पास रखो। ये हो गए आपके कुछ जनरल चीज़ें जो पास में रखने की हैं। अब हम बात करते हैं कि ग्रह बनावटी कैसे बनते हैं, जिसको मसनूई कहते हैं। दो ग्रह कहते हैं इकट्ठे हो जाएँ तो बनावटी बन जाते हैं, ऐसे उनका असर भी बनावटी रहता है। अब जैसे सूर्य की बात करें तो बुध और शुक्र, यानी बुध तो हरा हो गया, ठीक है, शुक्र सफ़ेद हो गया। इन दो रंगों को आप मिलाओगे, बच्चे जैसे मिलाते हैं गुड़ जैसा रंग बन जाता है, ठीक है, आप दो मिलाते हैं। हाँ, तो ये सूर्य की हो गया रंग, गुड़ जैसा पीला बन जाता है जी, मिलना जाता है। हाँ, वो गुड़ जैसा हो गया, गुड़ जैसा, इसलिए वो बनावटी ग्रह बन गया। सूर्य के बनावटी ग्रह हो गए, बुध और शुक्र को मिला दो, ठीक है।
अब ये सूर्य जैसा फल देंगे जी अब। हाँ बिल्कुल सूर्य बन जाएंगे। फिर चंद्र के लिए सूर्य और बुध को मिला दो, ठीक है जी। ये क्या है, दूध जैसा सफ़ेद रंग मिल जाएगा। सूर्य और बुध को मिला दोगे बंदा पर प्रैक्टिकल रंगा मिला, प्रैक्टिकल बिल्कुल। ये रंगों की है सारी कलाकारी है। अब यहाँ ग्रहों से जोड़ दी गई ना, नहीं ग्रहों का फल ही रंगों में आ रहा है। और सूर्य और बुध आपने जोड़ दिए तो आपका वो चंद्र बन जाएगा, ठीक है। मंगल जैसे शुभ है तो सूर्य और बुध को मिला दो तो आपका लाल रंग बन जाएगा, यानी सूर्य 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 पर्पल पर्पल कलर का होता है ना, ठीक है। बुध हरा होता है तो उससे लाल रंग बन जाएगा। और मंगल आपकी कुंडली में शुभ है तो सूर्य प्लस शनि को मिला दो तो यहाँ पे क्या बनेगा, फीका लाल बन जाएगा। अशुभ है तो जी, हाँ अशुभ है तो कोका कोला जैसा रंग बन जाएगा, ठीक है। ड्रिंक जैसा, तो वो मंगल अशुभ का प्रभाव दूर करेगा। देन बुध के जो बनावटी ग्रह वो कौन से हैं, बृहस्पति और राहु को मिला दो, यानी बृहस्पति पीला राहु नीला, ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, हरा रंग बन जाएगा, तो बुध मजबूत हो जाएगा। देन शुक्र को मजबूत करना हो तो राहु और केतु को मिला दो, ये दही जैसा सफ़ेद रंग बन जाएगा। शनि को मजबूत करना हो तो शुक्र और बृहस्पति को मिला दो, यानी वाइट और पीला, तो ये क्या काला रंग बन जाएगा कह रहे हैं। या फिर मंगल प्लस बुध इनको मिला दो, मंगल लाल बुध हरा, तो ये सफ़ेद बन जाएगा। राहु का उपाय करना हो तो मंगल प्लस शनि को मिला दो, यानी उच्च और काला, मंगल का लाल हो गया और काला हो गया। और सूर्य प्लस शनि को मिला दोगे तो नीच और काला हो जाएगा। राहु दो है, मतलब एक उच्च है एक नीच का है, ठीक है जी। उच्च के लिए तो मंगल और शनि मिलाओगे, नीच के लिए सूर्य शनि, सूर्य शनि मिला। जिस घर में कोई भी ग्रह नीच हो जाता है उसका बनावटी भाग वहाँ से हटाकर कुप्रभाव से बचा जा सकता है। उदाहरण के लिए दसवें घर में सूर्य और शनि के इकट्ठे हो जाने से मंगल अशुभ हो जाता है, ठीक है जी। वास्तव में दसवें घर का मंगल उच्च का होता है, तो वहाँ सूर्य शनि आ गए तो अशुभ हो गया। अब यदि सूर्य को दसवें घर से हटा दिया जाए तो मंगल का अशुभ प्रभाव खत्म हो जाए, तो ये आपका। वैसे करेंगे कैसे अंकल जी, करेंगे बनाएंगे कैसे, जैसे सूर्य को यहाँ से हटाएंगे ये रेमेडीज में आएगा सारा? वो तो रेमेडीज में आएगा ना। अच्छा, सूर्य को कहाँ डालना है, क्या करना है, पताल में डालना है, आकाश में डालना है, पानी में डालना है, तो लाल किताब कहती है कुछ टकराव के ग्रह भी होते हैं। टकराव के ग्रह को समझना जरूरी है। जो ग्रह एक दूसरे से छठे आठवें घर में बैठ जाए, चाहे शत्रु हो या मित्र हो, तो उनकी शत्रुता और मित्रता की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती। ऐसी स्थिति में बैठे हुए ग्रह एक दूसरे से शत्रुता करेंगे ही, एनिमिटी रखेंगे ही रखेंगे, यानी एक दूसरे से छठे आठ, एक दूसरे छठे आठ में जब कोई ग्रह बैठ जाए, हाँ, चाहे उच्च हो चाहे नीच हो, शत्रुता करेंगे, एनिमिटी करेंगे करेंगे। कहने का मतलब अगर सूर्य से छठे चाहे मान लो मंगल आ गया, हाँ, तो इनमें शत्रुता होगी, हाँ, चाहे मित्र ग्रह तो भी जी। ये लाल किताब रहती है। किंतु अच्छा, यदि एक ग्रह पहले घर में और दूसरा ग्रह आठवें घर में हो, तो पहले घर में बैठा ग्रह आठवें घर में बैठे ग्रह को टक्कर मारता है और अपना पूर्णतः बुरा प्रभाव देता है। पहले और आठ का चक्कर है, आठ और तीन का भी चक्कर है। देन आठवें घर का ग्रह पहले घर में बैठकर अपना बुरा प्रभाव नहीं डाल सकता। आठवें जो बैठा है वो पहले का तो टक्कर मार नहीं सकता, हाँ, पहले वाला आठवें को मार सकता है, पहले वाला मार सकता। कुछ ग्रह लाल किताब में बुनियादी ग्रह भी होते हैं, जैसे ज्योतिष शास्त्र में अपने वैदिक में नव पंचम योग होता है, पांचवा नौवा। नव पंचम अगर दोष हो जाए, इसको भ्रुकुट दोष कहते हैं कुंडली में, इससे संतान नहीं होती है, इसलिए इसका मिलान में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। ये योग बनता कैसे, पांचवें से नौ और पांचवा, हाँ जी, द्विद्वादश से भी बनता है। द्विद्वादश कहाँ पे, दो और बारह, नहीं दो और बारह तो कौन सा, ये पांचवा घर, पांचवें। अब मैं वैदिक ज्योतिष की बात कर रहा हूँ और भ्रुकुट की बात कर रहा हूँ, तो भ्रुकुट दोष एक और आठ से भी बनता है, दो और बारह से भी बनता है, और पाँच और नौ से भी बनता है। तो दूसरे घर का ग्रह बारह में या बारह का दूसरे में आ जाए, अच्छा ऐसे बोल रहे, पाँचवें का नौवें, नौवें का पाँचवें में, हाँ, तो नौ पंचम दोष। अब ठीक है, अब क्लियर हो गई ये बात। इसका उसमें मेलापक में आता है, अर्थात एक ग्रह कहते हैं नौवें घर में हो, बेशक वह शत्रु हो, तब भी एक दूसरे की सहायता करेंगे। कुछ परिभाषाएं जो बताते हैं लाल किताब के अनुसार वो बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट हैं।
जैसे एक परिभाषा है, ग्रह चौथे हो जो कोई बैठा, तासीर चंद्र वह होता है। ठीक है जी, उसकी तासीर चंद्र जैसे ठंडी होगी। असर मगर उस घर में जाता, शनि जहाँ टेवे बैठा। अच्छा, जहाँ शनि बैठा है उसके घर में इसका असर जाता है, उस घर में असर जाता है, ये चक्कर मारता है उस घर को, तासीर तो ठंडी हो जाएगी। हाँ। लेकिन शनि जहाँ बैठा है उस घर में इसका असर जाता है। कहने का मतलब चतुर्थ में अगर मंगल बैठा है जी, हाँ, शनि बैठा है एकादश में, तो ये टक्कर मारेगा। मैं क्लियर कर देता हूँ, चौथे घर में कोई ग्रह बैठा हो तो उसकी शक्ति परीक्षा के लिए हमें देखना पड़ेगा कि वर्ष फल में चंद्रमा कहाँ बैठा है। ठीक है, गलत ही देखो। यदि चंद्रमा अशुभ हो तो इसका असुर भी अशुभ होगा। इसके अलावा वर्ष फल में शनि जहाँ बैठा हो वहाँ जाकर उसका असर होगा। मान लो आप 25 साल के हो तो 25 साल की कुंडली बनाओ, ठीक है, उसमें देखो चंद्रमा कहाँ बैठा है। अगर चौथे बैठा है, अब शनि देखो कहाँ बैठा है, ठीक है, मान लो 12 बैठा है, ठीक है, तो वहीं पे असर मारेगा, 12वें घर को असर मारेगा। जिस घर में शनि बैठा उस घर को चक्कर मारेगा, उस घर को। और शुभ बैठा है उस घर को शुभ करेगा जी। हाँ, फिर आगे नई कहावत आ गई, घर 11 में ग्रह जो आए तासीर शनि वह होता है। शनि 11 घर में अगर कोई ग्रह आ गया वर्ष फल में, शनि की तासीर हो गई। असर मगर उस घर में आवे, बृहस्पति जहाँ टेवे में बैठा। अब इसका असर कहाँ आएगा? बृहस्पति जहाँ बैठा, जहाँ बैठा बृहस्पति। और रोल उसका क्या होगा? शनि का तासीर। ठीक है जी, शनि जैसा फल करेगा आपको ना जी। हाँ, इसका क्लैरिफिकेशन है कि जो ग्रह 11 घर में बैठा हो, चाहे वह जन्म कुंडली में हो या वर्ष फल में, उसका प्रभाव शनि की तरह ही देखें, क्योंकि वह शनि की भूमि जगह है। यदि शनि शुभ हो तो शुभ प्रभाव होगा, अशुभ हो तो अशुभ प्रभाव होगा। लेकिन शुभ या अशुभ का प्रभाव ज़्यादा वहाँ पड़ेगा जहाँ पे जन्म कुंडली में वर्ष फल में बृहस्पति आएगा। तो ये वो हर साल का वर्ष बनाते हैं, साल का चार्ट बनेगा। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ें हैं। देन अगला मुहावरा अपने पास है, घर चलकर जो आवे दूजे, मतलब जो सेकंड में आ गया वह किस्मत बन जाता है, यानी ट्रांजिट का ग्रह की बात। हाँ, घर 10वां अगर खाली हो तो सोया हुआ कहलाता है। ठीक है जी, 10वां खाली हो गया तो वो सो जाए, सोया हुआ घर है जी। अब कहते हैं दूसरे घर में कोई ग्रह हो तो उस वर्ष के लिए किस्मत का ग्रह बन जाता है। दूसरा खाना धन घर के फल को बहुत अच्छा करता है, लेकिन यदि 10वें घर में कोई ग्रह ना हो तो दूसरे घर में आया हुआ ग्रह अच्छा फल देने में सक्षम नहीं होता। दूसरे और 10वें दोनों ही घरों में ग्रह और आपस में चाहे शत्रु ना हो तो भी उस वर्ष जातक के लिए शुभ ही रहेगा, अगर दोनों में ग्रह बैठे हो तो। इसी तरह 8वें घर का ग्रह जन्म कुंडली में 8वें घर में ही बैठा हो और वर्ष फल में दूसरे आ जाए तो 8वां घर खाली रहे तो आर्थिक दृष्टि से बहुत बढ़िया रहेगा। खाली हो 8वां तो ठीक है, कोई ज़्यादा समझने वाली बात नहीं। अब कहते हैं सोए हुए ग्रह क्या होते हैं। जिस घर की दृष्टि में कोई ग्रह ना हो वह सुप्त ग्रह कहलाता है। जिस घर की दृष्टि में, जिस ग्रह की दृष्टि में, जिस ग्रह की दृष्टि में कोई ग्रह ना हो, घर की, ग्रह की बोल रहा हूँ मैं। अच्छा जी, जिस ग्रह की दृष्टि में कोई ग्रह ना हो वह सोया हुआ ग्रह कहलाता है। ठीक है, अच्छा अच्छा समझ गया जी। शनि मान लो लगन में पड़ा है और साथ में कोई नहीं, साथ में कोई नहीं तो है, ये खुद सो गया, क्योंकि ये सो गया। अब इसको जगाने के लिए हम बताते हैं, जैसे सूर्य कल बताया शादी कर लो तो सूर्य जाग जाएगा, कल यही तो बोला था। ठीक है जी अंकल जी, इसको कहीं और से दृष्टि, मान लो 8वीं 7वीं पड़ जाए तो सोएगा के तो जाग करे, क्या करेगा ये जाग गया। नहीं, दृष्टि तो जो पड़ेगी वही पड़ेगी ना, सामने वाले की बात होगी, सप्तम दृष्टि की बात। माले मंगल छठे ऐसा ग्रह का मतलब यह कदापि नहीं है कि जिस घर में बैठा हो उस घर के लिए उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, ऐसा ना समझें। सोए ग्रह का मतलब यह है कि वह उस घर में कैद रहेगा और उसका प्रभाव वहीं तक रहेगा, उसकी आगे मार नहीं चलती। ठीक है गलती, कैद हो गया ना। हाँ, थोड़ी कैद हो गया, करेगा तो सही पर इतना नहीं कर पाएगा। लाल किताब के अनुसार सोया ग्रह किसी घर में शुभ या शुभ स्थिति में बैठा हो तो उसका असर उस घर के लिए जारी रहता है। इसके अलावा कोई ग्रह अपने पक्के घर में बैठा हो तो हमेशा पूरी तरह से जागा हुआ माना जाता है। अब यहाँ एक चीज़ हाँ, और क्लियर कर दी, ये क्लियर होगी ना। मान लो शनि साथ में हो जी और लगन में कुछ ना हो पर वो जागा हुआ है, माना जाएगा वो अपने पक्के घर में बैठा हुआ है जी। हाँ, गुरु जैसे लगन में आ गया। हाँ, गुरु लगन में आ गया, मान लो गुरु पंचम में आ गया। हाँ, पंचम में आ गया, इस तरह से सप्तम। उदाहरण दिया इसने, उदाहरण भी दिया आगे, जैसे सूर्य पहले घर में हो, हाँ पक्का घर, मंगल तीसरे घर में हो, पक्के घर, बृहस्पति दूसरे घर में हो, पाँचवें हो, 9वें हो, 12वें हो, ये बता ही रहा था, वही बात हो, चंद्रमा चौथे में हो, ठीक है जी, बुध छठे घर में हो, हाँ, बुध शुक्र 7वें घर में हो, दोनों मंगल शनि 8वें घर में हो, ये भी पक्के ग्रह हैं, शनि 10वें में और 11वें में हो। शनि का 7वां पक्का घर नहीं होता जी, मैं गलत लगा बैठा था।
शुक्र और गुरु का निवास है वहाँ तो। ठीक है, आपने बोला मैंने खंडन नहीं किया उसका, लेकिन वो गुरु का है, मकान तो जमीन तो गुरु की है और घर शुक्र, मकान घर शुक्र का है, शनि वहाँ उच्च का हो जाता है। चलो ऐसे फंडा मेरे क्लियर हो गया जी। हाँ, तो ये इस तरह से ये घर इस तरह से बैठे हों तो ये पूरी तरह से जागृत हो जाएंगे, पक्के पे बैठे हों। फिर ये सोए भी नहीं माने जाएंगे, सोए नहीं होंगे, कैद नहीं होंगे, मतलब ना पड़े ना पड़े। जब पहले घर में कोई ग्रह ना हो तो बाद के घरों में ग्रह सोए माने जाते हैं। ये भी ठीक है, पहले पहले घर में कोई ग्रह ना हो, लगन खाली हो तो। हाँ, तो बाद के घरों के बैठे हुए ग्रह सोए माने जाते हैं। ऐसी हालत में पहले के खाली घरों को जगाने की ज़रूरत होती है। अगर बाद के घर खाली हों तो दृष्टि पड़ने वाले घर में कोई ग्रह बैठा हो तो बाद के उस घर को खाली घर को जगाने की ज़रूरत रहेगी। बाद के मतलब सेकंड हाउस की बात। हाँ, सेकंड थर्ड जो भी है। अच्छा। उपाय बताते समय, उपाय करते समय इस बात को अच्छी तरह ध्यान में रखना चाहिए। अब सोए घर हैं मालूम, जागृत करें कैसे? जन्म कुंडली का पहला घर सोया हो तो मंगल का उपाय करने से जागृत हो जाता है। ठीक है, फंडा क्लियर हो गया। दूसरा सोया हुआ हो तो चंद्र का, ये शुक्र का है, चंद्र का है। इसमें तो चंद्र लिखा है। वैसे शुक्र नहीं होना चाहिए जैसे ये बात चल रही है, इसको बाद में क्लियर करते चलते हैं। फिर तीसरा घर है तो बुध का, चौथा चंद्रमा का है, पांचवा सूर्य का है, छठा बुध, छठा राहु का है। अच्छा, कारक ये वो मान रहा है, सातवां शुक्र का है, आठवां चंद्रमा का है, नौवां बृहस्पति का है, दसवां और ग्यारहवां शनि का है, बृहस्पति का भी ग्यारहवां है, और बारहवां घर केतु के उपाय से जाग जाएगा। ये इसके फंडे हैं। वैसे लॉजिक तो पता नहीं, लॉजिक तो यूँ ही बनेगा ना, सेकंड घर में जैसे चंद्रमा उच्च का हो जाता है ना। अच्छा, इसलिए वैसे तो जो आठवें के लोग आ रहे हैं वहाँ तो नीच का हो जाता है चंद्रमा, आठवें भी इसने चंद्रमा माना है। हाँ, आठवें घर को भी इसने चंद्र का उपाय करोगे तो कह रहे हैं मतलब ये मंगल को खा गए, ये मंगल को बताया ही नहीं कैसे। कब जागृत होते हैं सुप्त ग्रह? जब व्यक्ति अपना कारोबार या नौकरी शुरू करेगा तो सोया बृहस्पति जाग जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, यह समय होगा 16 से 21 का। 16 से 21 के बाद करेगा तो ये जागेगा नहीं, इस समय करेगा तो जाग जाएगा। ठीक है, जागेगा तो सही, आगे 35 वाला चक्कर चलता है, मैंने आपको बताया था ना, वो तो चलता ही चलता है, इसके बाद एक साइकिल दो साइकिल और आती है। सोया सूर्य सरकारी नौकरी या सरकार के संबंधित कोई कार्य करने पर जाग जाता है, यह समय होगा 22वें साल का। पढ़ाई आरंभ करने पर सोया चंद्रमा जाग जाता है। एक बार की पढ़ाई के बाद पुनः 24 वर्ष के बाद पढ़ाई शुरू करोगे तो सोया और चंद्रमा जाग जाता है, वो अगली साइकिल आ गई ना ये। ठीक है, सोया और शुक्र विवाह होने के बाद जाग जाता है, बशर्ते विवाह 25 वर्ष की आयु के बाद हुआ हो तो। देन सोया और मंगल 28वें वर्ष के बाद जाग जाता है। अगर व्यक्ति का विवाह हो जाए और या किसी तरह स्त्री के संपर्क में आ जाए तो मंगल जाग जाएगा 28 के बाद, जब कभी भी 28 वर्ष के बाद तब जागेगा जब उसकी शादी करोगे तो। सोया बुध 34 वर्ष के बाद जागेगा, वो भी तब वो व्यक्ति अपना कारोबार करेगा या लड़की की शादी करेगा तो उसका बुध जाग जाएगा। शनि तब जागेगा जब व्यक्ति अपना मकान बनाएगा, यह उम्र होती है 36 साल की। ठीक है, सोया और राहु ससुराल से नज़दीकी संबंध स्थापित करने पर जाग जाता है। यदि ऐसा संबंध 42 वर्ष के बाद गहरे हुए हों तो और भी अच्छा है। सोया केतु औलाद की पैदाइश के बाद जाग जाता है, विशेषकर 48 साल के बाद। वैसे परमात्मा ने भी सिस्टम लाया भी, जो तुसी ना जगाओगे तो मैं तो एक फंडा लाया भी तो जाग नहीं है ग्रह ना जी, तो सारी उम्र ही सुते रह जाने का था। अब कभी कभी कहते हैं वर्ष फल में कोई ग्रह अच्छे फल देने वाला हो जाता है, लेकिन यदि व्यक्ति अपने किसी कार्य से उस ग्रह को खराब कर दे तो बुरा फल शुरू कर देता है, यानी उसका प्रभाव जो अच्छा है वो खराब हो जाता है। अब उदाहरण दिया गया है कि राहु चौथे घर में पाप ना करने की कसम खाता है, चंद्रमा का ज्यादा है राहु। ठीक है जी। हाँ, किंतु वर्ष फल में राहु चौथे घर में हो और ऐसा जातक राहु से संबंधित चीज़ें स्थापित कर ले तो राहु का फल खराब हो जाएगा, इसलिए उसको वो चीज़ें नहीं स्थापित करनी चाहिए। ऐसा जातक अपने घर में जमीन की मिट्टी खोद ले अथवा विवाह या यज्ञ के समय जमीन खोद कर उस पर भोजन बना ले तो अग्नि पूरे परिवार के सुख को जला के राख कर देगी। इतनी बड़ी बात कही। इसी तरह कोयले की बोरियां अपने घर में इकट्ठी कर लो, निसंतान या खाने व्यक्ति से संपर्क बनाओ, पखाना नई जगह पर बना लो, मकान की छत उतरा कर बदलवा दो या पखाने के पॉट आदि की मरम्मत करवा लो तो पाप न करने की शपथ खाने वाला राहु अपना राक्षसी रूप धारण कर लेगा और झगड़े फसाद शुरू करवा देगा। राहु खराब करेंगे ये चीज़ें।
देन बृहस्पति उच्च स्थिति में हो, चाहे जन्म कुंडली में या वर्ष फल में हो, उससे संबंधित पीपल का पेड़ आप कटवा देते हो तो बृहस्पति खराब है। साधु संत या ब्राह्मणों को सताना शुरू कर दो तो खराब है, आपका सोना भी मिट्टी हो जाएगा, आपके घर की शांति, मन की शांति सब खत्म हो जाएगी। बारहवें घर में केतु बैठा हो, शुभ फल देने वाला हो, ऐसी हालत में कुत्तों की सेवा ना करें और ना ही अपने घर में कुत्ता पाले, बल्कि कुत्तों को मारना शुरू कर दें तो केतु का फल खत्म हो जाता है। इसलिए किसी ग्रह से संबंधित ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उस ग्रह का फल शुभ से अशुभ में कन्वर्ट हो जाए। जन्मदिन और जन्म समय का एक ही ग्रह एक हो जाए तो ऐसा ग्रह जातक पर कभी बुरा असर नहीं करता और उसे कभी धोखा नहीं देता। यही नहीं, मौत के दिन भी उस व्यक्ति की मौत नहीं आ सकती। जिस दिन मान लिए, अब उदाहरण दिया है, किसी व्यक्ति का जन्म मंगलवार दोपहर को हुआ है, ऐसी स्थिति में मंगलवार और मंगलवार की पक्की दोपहर उस व्यक्ति के जन्मदिन तथा जन्म समय का ग्रह मंगल हो जाएगा। फलतः उसकी कुंडली में मंगल का महत्व अन्य ग्रहों से अधिक बढ़ जाएगा तथा अन्य सभी ग्रहों के दिन और समय के बारे में लागू होता है। जिस दिन उसका जन्म हुआ और जिस टाइम हुआ है उसकी बात कर रहा है, वो उसका पक्का ग्रह बन जाता है। मतलब तो वो उसको बचाएगा, बचाएगा वो तो कह रहा है मौत भी नहीं आने देगा उस दिन तो। हाँ, वो बचाएगा, बस वो बचाएगा। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी है आज के लिए, अभी मैं इतना ही समाप्त करूँगा। कल फिर जो है अपने दूसरा चैप्टर में आगे कंटिन्यू करेंगे।